हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमानी टेक। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी शहर में या किसी भी कंपनी में जब कैमरे लगते हैं वो ऑटोमेटिक नंबर कैसे अपने पास सेव करता है। आपने ये ज़रूर सुना होगा किसी स्मार्ट सिटी में कैमरे लगे हैं तो वो ऑटोमेटिक चालान भेज रहे हैं। ऑटोमेटिक चालान भेजने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसका नंबर कैसे लिया जाता है गाड़ी का। सपोज़ आपके पास एक ही रोड के ऊपर 10 गाड़ी चल रही है और उसमें से दो गाड़ियों ने वो कोई वॉयलेशन किया है। वॉयलेशन ट्रैक करने से पहले हम सीखेंगे कि उन 10 की 10 गाड़ियों का नंबर कैसे फेच किया जाता है। तो हम आज शुरू करेंगे इंजन सॉफ्टवेयर। हमारे पास इस काम के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वीडियोनेटिक्स है, इंजन है, नुओ है, और भी कई सॉफ्टवेयर है, मिरासिस है, एक्सिस कैमरा जो हम यूज़ कर रहे हैं उनका भी सॉफ्टवेयर आता है ANPR के लिए। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे हम इंजन सॉफ्टवेयर का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि उसमें लाइसेंस कैसे डालेंगे। अभी मेरे पास जो सेटअप है उसमें मेरे पास 6 कैमरे हैं और 2 लैन हैं। तो हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लाइसेंस डालेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कितने कैमरों का लाइसेंस ले रहे हो। लाइसेंस के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रोड है वो कितना चौड़ा है। आइडली जो होता है वो 3.5 मीटर कंसीडर किया जाता है एक लेन के लिए। सपोज़ अगर आप किसी कंपनी में यूज़ कर रहे हो और उसका जो गेट है वो 3.5 मीटर से 4 मीटर का है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही कैमरा चाहिए और उसके लिए सिर्फ एक ही कैमरे का लाइसेंस चाहिए। और क्या है कि अगर हम 6 कैमरे यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास 6 लाइसेंस होने ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन कर रहे हैं। हमने अभी जैसे अपने देख रहे हो कि हमने अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद अभी मेरे पास 6 कैमरे हैं तो 6 कैमरों का मेरे पास लाइसेंस है। वो मैंने जो लाइसेंस है अपने इस सॉफ्टवेयर में मैंने इंसर्ट कर दिया है। अभी आप देख सकते हो कि 6 कैमरों का लाइसेंस जो है वो डल चुका है। अब लाइसेंस डालने के बाद क्या है कि इसको हमें एक बार इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रीसेट करनी है। अभी इसमें आप जो लैंग्वेज देख रहे हो वो है इटालियन लैंग्वेज। इसमें क्या है, रीसेट का जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें इस ऑप्शन को हमें अनटिक करना है। अगर आप इस चीज़ को अनटिक नहीं करोगे तो पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर आपको दोबारा से डालना पड़ेगा। अभी हमारे पास हमारा सेटअप जो है वो रीसेट हो चुका है। तो उसके बाद हम जाएंगे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में नेटवर्क पैरामीटर्स। नेटवर्क पैरामीटर्स में जो भी है आपके एंड यूज़र के जो IP है वो डालने हैं। अभी हमारे पास क्या है कि मेरे पास आप आ रहे हो कि हर पोर्ट के ऊपर अलग IP है। मेरे पास ये सेटअप ऐसा है कि जो मेरे 6 के 6 कैमरे हैं वो मेरे डिवाइस के साथ डायरेक्टली हर पोर्ट के ऊपर कनेक्ट है। ये हम यहाँ पे एक LPU यूज़ कर रहे हैं जो बॉस, वो मैं बताऊंगा कि किस कंपनी का है और उसकी मैं स्पेक्स भी बताऊंगा कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जितने भी कैमरे हैं वो हर पोर्ट के ऊपर सिंगल कैमरा कनेक्ट है। तो हमने हर पोर्ट के ऊपर एक अलग IP दे रखा है। अब क्या है कि हमने ये नेटवर्क डाल दिया है, उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन एप्लीकेशन पैरामीटर। एप्लीकेशन पैरामीटर में हमने जो डिटेल डालनी है वो डालनी है हमारे जो कैमराज के IP है। आपने देखा कि जैसे हमने अभी जितने भी हमारे पास डाटा है वो हमने डाल दिया कैमरों के IP जो हमारे पास है। इसमें क्या है, हमें जो इमेज साइज है मैक्सिमम क्या है वो रखना है। इससे क्या होगा, जो हमारी कैमरे की क्वालिटी है अगर HD है तो HD आएंगे, अगर Full HD है तो Full HD आएंगे। ये मेन आपके कैमराज की स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे 1920x1080 रख रहा हूँ, सभी में ये सेम ही रखना है। और उसके बाद क्या है कि हमारे पास सभी ये डिटेल डालने के बाद नीचे आना है आपने, और जहाँ पे लेंस सेटिंग्स ये आप देख रहे हो अलग अलग ऑप्शन। अभी ये इटालियन लैंग्वेज में है तो यहाँ पे ये कार्सिया X लिखा है, तो यहाँ पे हमें लेन का डिस्क्रिप्शन देना है। अभी जैसे लेन ए है मेरे पास और लेन कैमरा कॉन्टेक्स्ट कैमरा, इसमें मुझे सेम वही कैमरा रखना है। लेन कैमरा मींस जो सिंगल हमने पर्टिकुलर लेन के ऊपर एक कैमरा लगाया है, और कॉन्टेक्स्ट कैमरा मींस
कि जो उस लेन के अंदर कोई भी गाड़ी जाएगी उसका जो भी नंबर रहेगा जो जो भी उसके ऊपर वर्डिंग लिखी है उसको वो डिटेक्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास ट्रांजिट ड्यूरेशन, ट्रांजिट एनालिसिस ड्यूरेशन जो हमें रखनी है 0 और आफ्टर रखनी है 0.2। आफ्टर दैट हमें यह रखना है ट्रांजिट डिटेक्शन मोड जो रखना है हमें वर्चुअल लूप, यहाँ पे क्या है वर्चुअल लूप। हमारे पास शे कैमरा है, शे कैमरों की डिटेल डालने के बाद हम आएंगे अपने इमेज कैप्शन। इमेज कैप्शन में क्या है हमारे पास मेन इमेज जो है रो वन जहाँ पे ये इटालियन लैंग्वेज पे लिखा है हमें ये चेंज करना है, इसको करना है हमें इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे ये लिखा हुआ है इसको जगह लिखा है हमें लोकेशन, और जे है हमारे पास यहाँ पे लिखना है हमें डिवाइस और डेट एंड और ये टाइप करने वाला सीधा इसको कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। अब ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ भी सेम आपने डालना है। उसके बाद क्या है आपने ये पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या है आपने चेक कर सकते हैं यहाँ पे यूटिलिटी में जाके लाइव वीडियो में कि आपके जो कैमरे थे वो ऐड हुए या नहीं हुए। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा जो कैमरा है वो ऐड हो चुके हैं और 6 के 6 कैमरा हमारे जो है वो वर्किंग में है। अब क्या है हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप कैमरा कॉन्फ़िगरेशन। कैमरा कॉन्फ़िगरेशन में क्या है हमारे पास ये है पैरामीटर सेटिंग्स। पैरामीटर सेटिंग्स में क्या है हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स जो है हमारे डालने होते हैं। जैसे हमारे पास है ये शटर स्पीड है जहाँ पे हमें 1/500 को 1/1000 करना है। ये इसका क्या है ये हम 1000 ही क्यों कर रहे हैं 2000 क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्या है कि अलग अलग होता है। अभी हम ये फ्री ट्रैफिक है जहाँ पे हम वहाँ पे यूज़ करें तो इसलिए हम कर रहे हैं 2000। हम 1000 कहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें जो ट्रैफिक होता है वो स्लो होता है। अभी ये हमारे एक तरह से एंट्री एग्जिट पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ पे स्पीड में गाड़ी जा रही है इसलिए हमने यहाँ पे 1/2000 करी है इसकी शटर स्पीड। अब है हमारे पास शार्पनेस, शार्पनेस यहाँ पे 0 दिख रही है आपको, इसको करना है 50 और गेन रखना है इसका 6। अब ये हमारे पास है ये आप देख पा रहे हो ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा पोल है और ये हमारा कैमरा है। अब हमें यहाँ पे जो है उसकी लेंथ जो गाड़ी हमें यहाँ पे डिटेक्ट करनी है पोल से, और हाइट हमारी जिस हाइट के ऊपर हमारा कैमरा लगा है डी, ये आप देख पा रहे हो डी क्या चीज़ है। अभी हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि जो हमारा कैमरा लगा है वो बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है कैमरा। और W मतलब विड्थ हम यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि हम 3.5 मीटर जो है मैक्सिमम कंसीडर करते हैं, 3.5 मीटर मीन्स कि सिंगल लेन। अब जो आप कैमरा में देख सकते हो कि एक लेन में एक गाड़ी जा रही है तो हमने सिर्फ एक ही रोड की एक ही लेन को हमने कवर कर रखा है। ऐसे ही हमें हमारे 6 कैमरे सभी के सभी कैमरों के लिए सेम पैरामीटर सेटिंग्स करनी है। पैरामीटर सेटिंग्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें वर्चुअल लूप्स क्रिएट करना। ये वर्चुअल लूप है क्या चीज़, वर्चुअल लूप में हमें क्या है कि हमारे जो गाड़ी की डिटेक्शन हमें चाहिए कि जो भी गाड़ी इस एरिया से जाएगी वो उसको डिटेक्ट करेगा और उसका हमारे पास जो नंबर है वो रिकॉर्ड करेगा। बेसिकली जो वर्चुअल लूप होती है ये हमें ये बताती है कि जो हम गाड़ी जा रही है हमारी हमें सिर्फ उसको डिटेक्ट करना है। डिटेक्शन के बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, ये हमारे पास 6 कैमरे सभी के लिए हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है प्लेट सर्च एरिया। प्लेट सर्च एरिया में क्या है कि हम एक एरिया मार्क करेंगे, ये आप देख पा रहे हो कि मैं एक मास्क तैयार कर रहा हूँ। इसमें से जो भी गाड़ी जाएगी किसी भी एरिया में होगी वो इस एरिया में वो उसका नंबर ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। अब हमारे पास 6 कैमरे हैं, 6 के 6 कैमरों को हम इस सभी का मास्क क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम कर देंगे इसको रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप चेक करो यूटिलिटी में व्हीकल लिस्ट, सॉरी ट्रांजिट में जाइए और ट्रांजिट लिस्ट चेक कीजिए जहाँ पे आपके पास जो गाड़ी के नंबर है वो आने शुरू हो जाएंगे।
आप देख पा रहे हो कि मेरे पास ये बस है और बस का नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैंने ये लाइव में कर दिया है ऑटोमेटिक अपडेट, जो भी गाड़ी जा रही है उसका ऑटोमेटिक नंबर ये डिटेक्ट कर रहा है। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो हम जहाँ पे अपलोड करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि अगर कोई रेड लाइट जंप करता है तो हम उसको कैसे पकड़ते हैं, हमारा कैमरा जो है उसकी रेड लाइट वायोलेशन को कैसे डिटेक्ट करता है, अगर कोई गाड़ी स्टॉप लाइन के ऊपर भी खड़ी हो जाती है तो उसको कैसे डिटेक्ट करता है, और उसका कैसे हम चालान जनरेट करते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।